स्वागत है मिस्टर रोमन। सोचा नहीं था आप मेरे लिए इतने दूर आ जाएंगे। क्या करे, तुम्हारे मुकाबले के ललकार ने मेरे अंदर जो आग जला दिया है। मैं कुछ नया कर रहा हूँ और नई दुनिया बसा रहा हूँ अपने पुराने दिनों की तरह। तुम्हारी आज़ादी के सफर का क्या हुआ? बस पूरा होने ही वाला है। 42 रेगुलर यही है ना, पूरी तरह कैबुलर से बना और हर तरफ से बुलेट प्रूफ। हर तरह के मौके पे पहन सकते हैं। शादी हो या जनाजा या डेथ मैच मुकाबला, आदमी को हमेशा शानदार दिखना चाहिए, चाहे शादी का मौका हो या अंतिम यात्रा का। मुझे गन मिल सकता है पापा? मुझे लगा कि तुम पूछना भूल गए। ये आपको कहां से मिला? मेरा एक दोस्त है जो इसी गोली से एक दोस्त को ठोक दिया और फिर मैंने उसे। आज के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। जब मैंने सैम को दफनाया तब मैं कंफ्यूज था उसके कब्र पे क्या लिखा। तो फिर तुमने क्या लिखवाया? दोस्त, क्योंकि वो सबसे बढ़ के मेरा दोस्त था, एक सच्चा दोस्त। महाराज जिंदाबाद, मैं अपने कब्र पर लिखवाऊंगा। लविंग हस्बैंड, मेरी कब्र पर यही लिखवाना। रोमन, लविंग हस्बैंड। मैच से पहले एक महफूज जगह ढूंढ लो। मैच से पहले एक जरूरी काम करना है। जल्दी करना, नहीं तो देर हो जाएगी। सर, मुझे लगता है ये पागलपन है। क्या कहा तुमने? पीटर के हाथ में अपना किस्मत दे रहे हैं। हमारे आसपास तीन तरह के लोग होते हैं। पहले के पास जीने की वजह होती है, और दूसरे के पास मरने की वजह होती है, और तीसरे के पास मारने की वजह होती है। पर रोमन के पास ऐसी कोई वजह नहीं है। वो बस एक जिंदा लाश है जिसे अपनी कब्र की तलाश है। और पीटर, उसके पास ये तीन वजह है। पर ऐसे भी मुझे लगता है रोमन सुबह होने तक मुकाबले के लिए जिंदा नहीं रहेगा। समझ गया। मुझे पता नहीं तुम सुन रही हो कि नहीं, पर मुझे माफ कर दो सेलिना। अगर इस वक्त तुम मेरे साथ होती तो ये सब ना होता। मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ पर ये जंग खत्म ही नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता मैं कल तक जिंदा रहूँगा। अगर मैं जिंदा रहा तो शायद ये सब से आज़ाद हो जाऊँ। ये एक डेथ मैच है। मैं पीटर को हम सबके अंजामों में डालना नहीं चाहता। तुम्हें जाकर कहीं महीने हो गए पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कल की ही बात है। तुम्हें मानने के बाद मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मुझे अभी बहुत काम है, तुम यहां से चले जाओ। मैं जब चला जाऊं मुझे पैसा देगा कौन? मेरे सर पे जो इनाम था वो उठ चुका है, मुझे मारना बेकार है। मैं नहीं मानता। बोला ना, चले जाओ।
मुझे लगता है रोमन नहीं आएगा, वो तो मर चुका होगा। तो रूल के हिसाब से केविन अब तुम्हें मरना होगा। रुक जाओ। स्वागत है, आप दोनों पोजीशंस ले लो। अगले जन्म में मुलाकात होगा मेरे दोस्त। 30 कदम दूर। पीटर, तुम्हें अपनी बेटी याद है ना? चुप कर। कितनी बेहतरीन सुबह है ना? कुछ कहना चाहते हो केविन? ये सब बस एक कुत्ते के लिए। आप तैयार है पीटर? हाँ। आप तैयार है मिस्टर रोमन? हाँ। फायर। दस कदम करीब। फायर। तुम उसे मार क्यों नहीं रहे हो? 10 कदम करीब। अब मार दो उसे। मौत की भीख मांगने वाले जीते हैं और जीत के आरजू करने वाले मरते हैं। फायर। एक मिनट रुको, स्पॉन्सर होने के नाते इसे आखिरी गोली मैं मारूंगा। तुम्हारा गन लाओ, मुझे दो। क्या मेरी बेटी आजाद है? हाँ, बेटी के साथ तुम भी इंजॉय। रूल्स। लुईस, तू अकल का अंधा ही रहा। रोमन ने गोली नहीं चलाई थी। ये रहा तेरा अंजाम। आपने सारे एहसान चुका दिए हैं। लुईस को मारने के लिए अब आपको कोई सजा नहीं मिलेगा। अब आप आज़ाद हैं। आपकी बेटी भी आज़ाद है। आपका पूरा भरपाई किया जाएगा मिस्टर केविन, और आपके सारे शर्तें पूरी की जाएंगी। आप फिर से सीक्रेट हाउस के मालिक बनेंगे। हमारा काम यहीं पे ख़त्म होता है। गुड बाय। तुम्हारा एहसान रहेगा। हाँ। केविन। रोमन। मुझे मेरी बीवी के पास ले जाओगे? हाँ, क्यों नहीं।
सोचा नहीं था ये दिन देखना पड़ेगा। कहाँ होगा, स्वर्ग में या नर्क में, कौन जाने। फिर मिलते हैं स्टीफन। क्या सच में इस बच्चे के लिए आप सब कुछ छोड़ना चाहते हैं? हाँ, सही कहा। टेबल पर आपका कोई एहसान नहीं है, आप इसमें सिग्नेचर करके आप अपनी आजादी जिंदगी जी सकते हैं। फिर भी सीक्रेट हाउस का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, आप जब चाहें सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। क्या हुआ सर, आप परेशान लग रहे हैं? रिचेत को रास्ते से हटाना पड़ेगा, जब तक वो जिंदा है मेरे काम में टांग लड़ाता रहेगा। उसे हम मारेंगे कैसे? हम उसे सीक्रेट सोसाइटी में मार नहीं सकते, ये हमारे रूल के खिलाफ है। तो फिर हम क्या करें? हम स्टेफन को उसे मारने के लिए बोलेंगे। क्या वो मानेगा? वो क्यों नहीं मानेगा, उसका मार्कर मेरे पास है। डेविड, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मैं अब तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। तुम्हारा मार्कर मेरे पास है, अगर उस दिन तुम्हारा जान नहीं बचाया होता तो आज तुम जिंदा नहीं रहते, तुमने खुद ही मार्कर मुझे दिया था। मैं अभी कोई भी काम नहीं कर सकता, मैं अब इन सब से दूर चला गया हूँ, अब मेरी जिंदगी या मकसद कुछ और है। सही कहा तुमने, अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। पापा, पापा, स्टेफन, ये कैसे हुआ मेरे दोस्त, ये कैसे हुआ? आपको पता है ये सब किसने किया? हाँ मुझे पता है। कौन? रिचेट। ओ, मुझे मिलेगा कहाँ? उस दिन मेरे कहने पे रोमन ने पहली बार किसी का जान लिया, वो भी 8 साल की उम्र में। उसने रिचेट को मार दिया। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम रोमन है। आज से तुम मेरे पास रहोगे, तुम एक गरम लुहा हो, मैं तुम्हें पीट पीट के एक खंजर बनाऊंगा और अंडरवर्ल्ड में ऐसी जगह दूंगा कि लोग तुम्हारे नाम से ही कांपेंगे। जोनेस को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दो, हमें हमारा वारिस मिल चुका है। फिर रोमन को सेलिना से प्यार हो जाता है। डेविड, मैं सेलिना के लिए ये सब छोड़ना चाहता हूँ, अब कोई खून खराबा नहीं। हाँ क्यों नहीं, तुम जा सकते हो, पर जाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, फिर तुम आजाद हो। उसके साथ एक सौदा किया, उसे दिया एक असंभव काम जो कि शायद और कोई कर नहीं पाता। उस दिन जो उसने लाशें बिछाई वो उसकी बुनियाद है जो आज हम हैं। आप जिंदा कैसे हैं? मैंने आपको पिछले 10 सालों से नहीं देखा। कभी मैं भी सीक्रेट हाउस का वफादार था, मुझे मेरी वफादारी की कीमत अच्छे से मिल गई। उन्हें नहीं पता, अगर मुझ जैसे को मारना हो तो कभी गलती से भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ना। पिछली बार तुम्हारा हाथ छोड़ा था, वक्त आ गया है उसी हाथ को वापस पकड़ने का। मैं हाल ही में रोमन से मिला था, वो फिर से अपना काम शुरू कर दिया। सुनकर बुरा लगा। आप रोमन को बता क्यों नहीं देते कि आप जिंदे हैं? नहीं, सही समय आने पर मैं उससे मिलूंगा। जैसी आपकी मर्जी। तुम मेरे काम करोगे? हाँ बिल्कुल करूँगा। मेरे बेटे का ख्याल रखना।
मैं सिर्फ तुम पे भरोसा करता हूँ। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। आपके सामने डेड बॉडी थी, फिर भी आपने रोमन को कुछ नहीं बोले। आपको रोमन को अरेस्ट करना चाहिए था। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, फिर वहीं पर उसको पोटिशन देते रहना नर्क में जाने से। अलविदा मेरे बच्चे।